नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। सब लोग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और फिर पूरा वीडियो जरूर देखना। आज एक बढ़िया सी खुशखबरी भी लाए हैं और आपको दिखाएंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि में आखिर लापरवाही कौन कर रहा है। डीपीओ महोदय ने आदेश दिया था सभी सीडीपीओ लोगों को कि आंगनबाड़ी बहनों का जो पैसा है वो बढ़ाया जाए। पैसा 5 वर्ष 10 साल तक जो नियमित सेवा बहने देती हैं उनके मानदेय में थोड़ी सी एक वृद्धि होती है कुछ पैसों की, उसी पैसों की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर सीडीपीओ लोगों को कहने के बावजूद भी उन लोगों ने इस मैटर पर संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, बहनों का पैसा नहीं बढ़ाया, जो कि ये सब खेद का विषय है। इसी पर आपको हम बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आते हैं 5 अगस्त को उन्होंने एक लेटर जारी किया। यहां पर जीडी यादव है जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच के, उन्होंने अपने वहां के सभी सीडीपीओ लोगों को कहा था कि जो यहां पर देखेगा एक बैठक करवाई गई थी 30 जून को आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा जनपद बहराइच की तरफ से। तो उसी में यहां पर बोला गया कि जनपद के अंतर्गत संचालित जो आंगनबाड़ी बहनें हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उन पर तैनात जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको शासन द्वारा 5 साल और 10 साल की नियमित सेवा करने पर मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। तो कार्यालय की पत्र संख्या भी दी है 6/7/21, इसमें निर्देशित भी कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर नियमानुसार पात्र लाभार्थियों की यानी पात्र जो कार्यकर्तियों की मानदेय वृद्धि एवं प्रस्ताव पत्रावली तैयार करके और इसको उपलब्ध कराओ। लेकिन वहां पर क्या हुआ, सीडीपीओ लोगों ने आज तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि खेद का विषय है। तो लापरवाही कौन बरत रहा है मानदेय वृद्धि के छोटे से मामले में, वहां के सीडीपीओ लोग। अब इसमें लिखा है कि यह आपको निर्देशित किया जाता है कि 10 अगस्त तक परियोजना के अंतर्गत नियमानुसार पात्र कार्यकर्तियों के मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पत्रावली तैयार करो, कार्यालय को उपलब्ध कराओ। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही विलंब जो भी है वो क्षम्य नहीं होगा। तो साफ शब्दों में कहें कि 10 अगस्त तक कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि कर दो, जो 5 साल और 10 साल तक सेवा नियमित रूप से दे रही हैं बहनें उनके मानदेय में थोड़ी सी वृद्धि जो है, जो सब कहीं बहुत जगह लागू भी है, वो यहां पर इनको नहीं मिल रही थी। तो वो वाली वृद्धि को लेकर के पहले भी आदेशित किया गया, फिर से किया गया, लेकिन अब देखते हैं क्या 10 अगस्त तक आंगनबाड़ी बहनों का बहराइच जिले में पैसा बढ़ करके आने लग जाएगा या नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहां पर रेखा कुमारी बहन है बिहार के गया जिले से, उन्होंने यहां पर ये देखिएगा आंगन मानदेय से मानदेय चेक किया और उन्होंने मानदेय का हाल जो बिहार में है उसको भेजा। बिहारवासी भाई बहनों आपको बता दें कि 6 अगस्त को ये देखो कब 6 अगस्त को और ये देखो 6 अगस्त को ये पैसा आपके खातों में अप्रैल और मई ये आपका लगा हुआ है और जून का भी इनका यहां नहीं लगा है। 26 जुलाई को ये पैसा इनका सेंड टू हेडक्वार्टर वगैरह गया है डीपीओ के बाद से, अब हेडक्वार्टर से ये पैसा जारी होकर के बैंक में नहीं डाला गया। ये बहन के जो है अकाउंट का पूरा आलम है। और जो अप्रैल महीने का जो मई का पैसा था वो भी आप देखिएगा वो 13 जुलाई को इनके यहां लगा था 13 जुलाई को, और उसके बाद में जब बैंक को हेडक्वार्टर से भेजा गया तो 6 अगस्त को देखो भेजा गया। इतना लेट लतीफी की जा रही है बिहार में। अब देख सकते हो बिहार में सत्यापन का काम भी चल रहा है बहनों के कागजातों का, शायद उस चक्कर में मानदेय लेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी पैसा जून और जुलाई का उत्तर प्रदेश में अभी तक खातों में नहीं पहुंचा है। बहुत सी भाई बहन पूछते रहते हैं पैसा कब आएगा कब आएगा, उनको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि कब आएगा। पैसा अगर निदेशालय से जारी ना होता तो उसके लिए जो है कुछ किया जा सकता था, कैश किए कहा जा सकता था कि पैसा भाई क्यों नहीं लगा, लगाओ उसको, तो यहां पर कुछ उम्मीद थी। लेकिन पिछली बार से जब 1.5 महीना हो गया है पैसा सक्सेस ही नहीं हो रहा जो कि बैंक निदेशालय से भेजा जा चुका है, तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा उसका जवाब शायद डीपीओ या निदेशालय के अधिकारी ही दे सकते हैं कि उन्होंने होल्ड करके पैसा रखा हुआ है या फिर किसी टेक्निकल खराबी की वजह से बैंक से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जो भी है वो उसके बारे में निदेशालय के अधिकारी और जो है डीपीओ लोग ही शायद बता पाएंगे। हो सकता है पैसा होल्ड कर दिया गया हो पोस्टल ट्रैकर पर कामों को लेकर के। अब दोस्तों जो भी है या तो आप लोग अपने वहां पर डीपीओ को ज्ञापन बहनों सौंपिए ताकि वो इस बारे में जानकारी आपको दे सके। अब आगे देख सकते हो रेखा वर्मा बहन लखनऊ से हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्री प्राइमरी की जो ट्रेनिंग है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो है शुरू हो चुकी है 6 तारीख से। अब यहां पर बहनों ने ये फोटो वोटो भेजी है, वीडियो भेजे हैं, इन वीडियो को जल्द ही हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अब आगे आपको बता दें एक मैटर ये आया था, मनसा गुप्ता है महाराजगंज से, उन्होंने ये मैटर भेजा है जिसमें लिखा है कि शिशु शिक्षा में आंगनबाड़ी की अहम भूमिका होती है। दरअसल यहां पर लखनऊ
में राजपाल आनंदीबेन पटेल, इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, शिशु शिक्षा केंद्र वगैरह होती है ऐसा उन्होंने बोला है, और बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्यकर्तियों द्वारा उनको जो है प्रशिक्षित वगैरह भी किया जा रहा है। तो वहीं पर जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग है उसी का वीडियो भी हम आप लोगों को चैनल पर दोपहर तक लेकर के आ जाएंगे। अभी फिलहाल आप ये सब यहाँ पर देखेगा, उद्घाटन इन्होंने किया हुआ था 6 तारीख को। तो यहाँ पर जो भी है वो तो आप सबको पता है कैसे क्या करना है, ट्रेनिंग क्यों हो रही है प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर वाली, ये 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश में सरकार जो है करा रही है। इस टाइप के मैटरों को आपको ऑल इंडिया ने पहले भी सब समझा रखा है। नीतू बहन जो गाजियाबाद से हैं, उन्होंने भी एक मैटर भेजा था जो कि हर बच्चे का बनेगा समग्र प्रगति कार्ड। यहां पर प्री प्राइमरी शिक्षा पर जोर भी दिया जा रहा, तो प्री प्राइमरी शिक्षा को लेकर के यहां पर समग्र शिक्षा अभियान 2.0 बचपन देखभाल व शिक्षा जैसे नए आयाम जोड़ेंगे। अमर उजाला में निकला था, नई दिल्ली से यह खबर है। यहां पर केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पहुंचाएगा। इस टाइप से उन्होंने यहां पर जानकारी अपना दिया हुआ है। फिलहाल इसके तहत आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग वेनिंग दिया जाएगा, और उसके अलावा आप लोगों को पता है और फिर बहने वहां पर प्री प्राइमरी में जो है पढ़ाएंगी। लेकिन काफी स्टेट क्या कर रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनों से उनका वो हक छीन रहे हैं, और कार्यकर्ती की जगह पर काफी जो है अलग से टीचर की बातें कही जा रही हैं या किसी न किसी अन्य जो डिप्लोमा कोर्सेज की बात की जा रही है। जबकि बिहार सरकार ने बहनों को लगाने का जो है पूरा सिस्टम बना दिया है, लिखित तौर पर भी सब चीजें चल रही है, ट्रेनिंग वेनिंग भी सब जो है, और इसके अलावा आप लोग देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भी तो ट्रेनिंग लेकिन 6 माह की नहीं 3 दिन में समेटी जा रही है। अब आगे देख सकते हो यहां पर आयुक्त जो है ग्राम्य विकास के, उन्होंने भी एक ये लेटर उत्तर प्रदेश से जारी किया समस्त जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को। ये 3 अगस्त को दोस्तों लेटर निकला हुआ था। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मिट हैं उनके प्रशिक्षण किए जाने के संबंध में था। तो मिट लोग जो थे जो गांव में तैनात होने थे उनका प्रशिक्षण कराने को लेकर के ये लेटर पहले जारी हुआ था, जिसमें हम आपको बता दें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, और इसके अलावा आगे आपको बताना चाहेंगे इसमें विषय भी पड़े हुए हैं कि प्रथम दिवस कच्छ प्रशिक्षण जो होगा 9:30 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, जिसमें आप लोग देख सकते हो मनरेगा योजना की सामान्य जानकारी, तकनीकी जानकारी ये सब उनको दी जाएगी। दूसरे दिन वगैरह में भी आप देख सकते हो फील्ड में होगा, और उसमें उनको MB किया जाना है, SOR समझना है, यही सब चीजें जो उनके उनसे रिलेटेड होंगी वो उनको बताई समझाई जाएंगी। और यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको तारीख भी बता देते हैं, महिला मेटो का प्रथम प्रशिक्षण 9 और 10 अगस्त को होगा, यानी 9 और 10 अभी आई नहीं, अभी आ जाएगी। अभी देखिएगा यहां पर 2 या अधिक प्रशिक्षण होने हैं, वहां प्रशिक्षण का प्रथम दिवस कच्छ में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन होगा, 10, 11, 12 इनमें जो है दूसरा वाला हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा इस तरह से अपने वहां पर डेटे वो लोग निर्धारित कर लेंगे। बाकी देखिएगा मनरेगा प्रवेशिका की एक प्रति ऐसे से करके यहां पर और भी कुछ सामग्रियां लिखी हुई, उनका विवरण भी वहां पर दिया गया है। साथ ही साथ आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं ये कुछ और दस्तावेज टाइप के वहां पर जो लगते होंगे वो सब यहां पर लिखे हुए हैं। ID के बारे में भी यहां पर थोड़ा बहुत जिक्र है मिट लोगों के, लेकिन ये आंगनबाड़ी बहनों के काम नहीं आएगा, हम आगे आप लोगों को झलक दिखाते रहते हैं। मुख्य प्रश्न श्रेणी सामान्य, एक ये फॉरम टाइप का, ये है मुख्य प्रश्न के अंदर का प्रश्न जिसमें परिवार का विवरण पूरा पूरा ये इस तरह से जो है भरना होता है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि ये देखिएगा यहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उत्तर प्रदेश के तहत ये मेरा गांव मेरा मनरेगा इस टाइप से जो है काम आते हैं। मनरेगा के तहत दोस्तों क्या क्या काम आते हैं आप लोग देख करके हैरान रह जाओगे। मनरेगा योजना के अनुमन्य जो कार्यों की सूची है उनको मैं आपको दिखा रहा हूं। सामुदायिक भूमि से संबंधित जो कार्य है वो आप देखिएगा, यहां पर सबसे पहला है आंगनबाड़ी भवन का निर्माण। तो आंगनबाड़ी भवन का जो निर्माण होता है वो मनरेगा के तहत होता है, इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिएगा। तो जो भी बहने हैं जहां पर भी भवन बनने हैं, पहली बात तो आपके प्राथमिक विद्यालय के परिसर जहां पर होंगे उनमें अगर जगह खाली है तो प्रधानाध्यापक से लिखित में जो आप लोग आवेदन दीजिए और उनसे मांग करिए कि वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बने, और फिर उन चीजों को लेकर के प्रधान से भी संपर्क कर लेना, और उसके बाद में अपने DPO VPO से भी संपर्क कर लो, अच्छा रहेगा। सुपरवाइजर को बताइए, लेकिन वो कुछ करेंगी नहीं क्योंकि हम जानते हैं, बड़े अधिकारी को भी जो बीच में लाओ और फिर आंगनबाड़ी केंद्र को बनवाओ। यहां पर आगे देख सकते हो ग्राम पंचायत और पंचायत भवन का निर्माण, ऐसे करके यहां पर बहुत सी चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको बता नहीं सकता क्योंकि यहां पर एक दो हो तो मैं बताऊं, यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो काम है वो सबके सब जो है मनरेगा के तहत दिए जाते हैं। इनमें आप देख सकते हो मनरेगा के अनुमन्य कार्यों की सूची, ये देखो यहां पर भी चली रही है 61 तक, ये देखो आप लोगों को हमने दिखाए, अभी इनके अलावा देखिए यहां पर 92 तक हो गए। ठीक है, ऐसे देखते रहो आप कितने हैं जो काम सब मनरेगा के तहत, ये पूरी सूची है। 123 देखो यहां पर नीचे तक हो गया। तो सबसे बड़ा जो काम मुझे लगता है होता है वो सब मनरेगा के तहत ही होता है। 154 में देखिएगा 154 तक ये सब पूरे हो गए। इसके अलावा नीचे 182 तक देखिएगा ये सब हो गया। फिर है व्यक्तिगत भूमि वास से संबंधित जो कार्य हैं वो कुछ अलग हैं इस टाइप से। इनमें देखिए 2 ये अलग होते हैं, मनरेगा के अनुमन्य कार्यों की सूची और नीचे। ऊपर मैंने 182 तक आप लोगों को सूची दिखाई है, ये सब मनरेगा के तहत कार्य होते हैं। इनके अलावा फिर देखो 1 से ये स्टार्ट हुआ है और
इसमें जो है लास्ट तक आपको दिखाते कितने हैं। लास्ट में इनके जो है यहां पर 63 और वो हैं, और मनरेगा योजना के अनुबंध कार्यों की सूची में यहां से ये आते हैं आपके, और कुछ और हैं 67 ये टोटल है। इसके अलावा 11 और ये जो नीचे के 11 है वो स्वयं सत्ता समूह के हैं। तो ऊपर उतने जो मैंने बताए थे लगभग 200 की संख्या में पहले, और 67 ये इतने मनरेगा के तहत, नीचे जो है स्वयं सहायता समूहों के संबंधित जो कार्य वो, तो समूह वाले क्या है वो हम आपको जरूर बता देते, क्योंकि समूह लोग आंगनबाड़ी बहनों से मिलकर के चल रहे हैं, बहुत सी बहनें भी होंगी। कृषि उत्पादन भंडारण भवन का निर्माण, एसएचजी संघ भवन का निर्माण, आजीविका जो है कार्यकलाप के लिए दर्श कोण का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण, साथ ही जो है इरिगेशन वगैरह ओपन वेल का निर्माण, नर्सरी में वृद्धि करना, और जो यहाँ पर शायद खपुले कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण, तरल जो है यहाँ पर बायो मैनर वगैरह के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, और ऐसे जो है यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है वो शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कंपोस्ट के बारे में यानी खाद वाद के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर वर्केल वगैरह कंपोस्ट ये सब चीजें वहां पर उनके अंडर में आती हैं। तो जो भी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी उत्तर प्रदेश में देखिएगा सन निर्माण कार्य जो है कल्याण बोर्ड उसकी तरफ से कुछ मातृत्व शिशु और बालिका मदद एक योजना चलती है, उसमें पात्रता और किसको क्या लाभ मिलता है वो सब इसके बारे में लिखा हुआ है। फिलहाल निशा राजपूत बहन कुशीनगर से उन्होंने मैटर भेजा था, अत्यधिक जो है व्यस्तता के कारण अन्य तमाम खबरों के कारण इन वीडियो को हम अच्छे से नहीं दिखा पाए। यहां पर एक और लेटर था जो कि 30 जुलाई को निकला था, और यह निकला था उत्तर प्रदेश में निदेशालय से, जिसमें दस्त नियंत्रण पखवाड़े के बारे में बोला गया था 2 अगस्त से 14 अगस्त तक जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया भी जा रहा है। तो इसमें हमने कहा था कि आप लोगों के लिए विस्तृत लेटर लेकर के आएंगे जो कि हमारे पास रखा रहा और इसको ला नहीं पाए। यहां पर आप देख सकते हो यह 2 अगस्त से 14 अगस्त तक जो आपके वहां सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हो किस टाइम पर क्या क्या मनाएगा। जुलाई की देखो यहां पर डेटे लिखी हुई, तो जुलाई तो अब चली गई, जुलाई को हम छोड़ते हैं पीछे, और उसके अलावा आगे आपको बता दें, ये देखिएगा अगस्त, यहां पर 2 अगस्त, और ये 2 अगस्त से 14 अगस्त तक ये आपका इस टाइप से ये सब मनाया जाएगा। बाकी नीचे भी इसके बारे में सब विस्तार से लिखा हुआ, लेकिन हम इसको पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि अब धीरे धीरे पखवाड़ा जा रहा है, और वैसे भी आप लोगों को इसके बारे में सब पता है, पहले भी इन चीजों को आप मना चुके हैं, तो इस मैटर को भी पीछे छोड़ते हैं। सीता बहन मुरादाबाद से उन्होंने भेजा हुआ था। इनके अलावा ये हमारे पास बहन आती है शोभा गजबीय बहन जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इनके अलावा इन्होंने ये एक फोटो अपने वहां से भेजी हुई थी। साथ ही दोस्तों ये एक तस्वीर आई है बबीता देवी बहन जौनपुर से, उनको ये प्री प्राइमरी की किट बक्सा वगैरह सब दिया गया है। एक ये पूनम सिंह बहन है लखीमपुर से, उन्हें उनके द्वारा भी फोटो आई है, और ये माधुरी तिवारी बहन है जो कि सतना जिले से, उन्होंने भेजी थी। इनके अलावा उषा पांडे बहन सिद्धार्थनगर से, उन्होंने भी एक ये फोटो भेजी है, और एक ये बहन है रात्रि देवी बलरामपुर से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। एक ये बहन है डाली शर्मा जो कि ललितपुर से है, और एक ये यहां पर बहन है जो आयशा बहन सिद्धार्थनगर से है, और एक ये बहन है सविता बहन कासगंज से है, ये है पूनम गुप्ता बहन रुपौली से है, और ये है चेतना शर्मा बहन रायबरेली से, ये है बहन उषा चौधरी बस्ती से। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मानदेय वृद्धि देखो काफी जगह बहनों के है, वो वाली जो 5 से 10 साल सेवा करने पर थोड़ा पैसा बढ़कर के सरकार देती है, लेकिन बहुत से जगह बहनों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो लाभ उनको मिले इसके लिए आप सब भी अपने अपने जिलों में डीपीओ को ज्ञापन सौंपिए। जैसे बहराइच में बहनों ने सौंपा था, उसके बाद बहराइच में फिर वो उन कामों को डीपीओ ने सीडीपीओ से उनके स्तर से क्योंकि होने हैं तो उनको प्रेषित किया, लेकिन उन्होंने उनमें लापरवाहियां बरती हैं। उम्मीद करिएगा आप लोग भी अपने हक के लिए लड़िए, शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए।